हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम आ गए दोबारा इस ईयर स्कीइंग करने के लिए, और ये पीयर प्रेशर में मैंने भी लास्ट ईयर अपने हाथ पर तुड़वाने के बाद हम दोबारा आ गए हैं स्कीइंग करने। और इस बार हम आए हुए हैं सेरेना में, और यहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है। दिखाती हूँ आपको वैली। ये है सेरेना जो कि एस्पो में है। लास्ट टाइम भी हम एस्पो ओइता आए थे, जो कि थोड़ा फ्लैट एरिया था, और ये इस तरह से हिली एरिया है। और उसके सामने ही ये वाली जो जगह है, यहाँ से आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं। और ये इक्विपमेंट पहनने की जद्दोजहद हो रही है। इस बार के शूज़ कुछ अजीब से ही मिले हुए हैं, इनमें बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। इस टाइम हमें नॉर्मल शूज़ मिले थे, नील उसके लेंथ तक के नीचे वाले, तो वो उसमें गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है, बट इसमें गिरने का चांस नहीं है। ये हम और ये रवि और योगेश रेडी हो गए। मैं भी रेडी हो गई। योगी याद है लास्ट टाइम का कैसे करना है बताओ। और ये रवि वार्म अप करते हुए। सब वार्म अप चल रहा है अभी। नहीं, हमारे पास साथ इस बार और भी दोस्त लोग आए हुए हैं, ये योगेश के फ्रेंड्स ऑफिस के। और यहाँ पे ये ग्रिल के लिए भी बना रखा है, लोग उन्हें यहाँ पे आग लगा के यहाँ पे अपने हाथ पैर सेक रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। और ये जो है, ये विंटर पार्क के साथ साथ समर पार्क भी है। ये पूरा इधर वाला जो एरिया है, इसमें समर वाले झूले हैं बिल्कुल, ये पानी वानी वाले जैसे हमारे वाटर पार्क होता है उस टाइप का, बट अभी विंटर है तो ये सब जम रखा है। आई गेस समर में भी काफ़ी हैपनिंग होता होगा एरिया। यहाँ पे अब स्नोफॉल भी होने लग गया है। ये जो जगह, ये एस्पो में है सेरेना, काफी बड़ा एरिया। और अब हम जा रहे हैं ऊपर स्लोप में। बहुत हो गई वार्म अप कर लिया, अब हम जा रहे हैं स्लोप पे। गो योगेश। यार पीछे को आराम में रुक ही नहीं रहा। टेक अनदर रोड। योगेश गो योगेश। ओके सो योगेश और रवि अब ये छोटे वाले स्लोप पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। ये रवि चढ़ गए, स्नोफॉल भी होने लग गए। और ये गए योगी। पे जो स्लोप है वो अडल्ट और चिल्ड्रन करके ऐसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है उनको। तो ये वाले जो स्लोप है, ये जो पीछे वाला है और ये वाला ये चिल्ड्रन वाला है, तो ये आपको इजी वाले हिल पे लेकर जाता है, और जो अडल्ट वाले हैं वो आपको टॉप ऊपर वाले हिल पे लेकर जाते हैं। अडल्ट वाले जो है वो ये वाला जो हिल है, ये अडल्ट वाला है, ये आपको सीधा उस टॉप पर लेके जाता है। वो रहे योगेश और रवि, ऑलमोस्ट पहुँच गए। ओके फाइनली रवि पहुँच गया ऊपर, योगेश भी पहुँच गए। मैं देखना चाहती हूँ योगी नीचे आके कैसे रोकेंगे।
ये छोटा लग रहा है, लेकिन देखो कितना बड़ा है ये, कितना ऊपर हिल है। चौके 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 योगेश के गए। और ये योगेश की हेल्प के लिए दो तीन लोग और जाते हुए, योगेश के फ्रेंड वो उठ ही नहीं पा रहे। और ये थोड़ा ना स्लोपी है, तो इसलिए मैं भी ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि मैंने ये पूरा जामदम पहन रखा है, तो इसको लेके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। फाइनली योगेश अपने पैरों पर वापस गया है। इस बार हेलसिंकी में स्नोफॉल बहुत कम हुआ है, मतलब बाकी पिछले साल के हिसाब से स्नो बहुत कम गिरी है, बट ये जो एस्पो का एरिया है काफ़ी ओपन एरिया है, तो यहाँ पे अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप सिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ नहीं हो रहा था स्नोफॉल। ये अब अर्चना की बारी, मैंने तो अपने पैर तोड़वा लिए, बड़ी अच्छा चला रही है वो। और ये योगेश दोबारा ट्राई करने जा रहे हैं। दो बार योगी तुम दो बार गिरे ना, दो बार गिरे, एक बार ओके। और ये योगेश दोबारा जा रहे हैं, हाँ जाओ जाओ जाओ। ये रवि तो एक्सपर्ट हो गए हैं। ये योगेश जा रहे हैं दोबारा से, स्नो भी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब मुझे लगा नहीं था, मैंने इस बार योगी को मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, बट सो फन। रवि तुम तो एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए तुम तो। ओके जा अडल्ट वाले टिकट लेकर आओ, उस वाले से जाओ ना, वो वाले से जाओ, वो भी वहां तक लेकर जाएगा बस। शुड आई ट्राई दिस दिस स्लोप, व्हाट डू यू थिंक? What do you think, Yogesh? Should I try this? Yes. Each one. This. No, no. Small. I will again fall. Me. हाँ कर सकते हो। ओह देखो स्नो प्लो में बहुत देर हो गई है, सबकी वीडियो बना रही हूँ मैं, मेरी वीडियो बना। ऊपर जाना? चलो। अब बस ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो। साथ में दोनों के साथ। तो ऊपर तो जाओ। स्नो फॉल हो रहा है। अब अर्थ ना जा रही है ऊपर। अपने ग्लव्स पहने हैं तो भाई मुझे सारा काम करना पड़ता है। उतना ऊपर जाओगे वो ना अर्चु रुक नहीं रहा, फिर बड़ा रवि को मत देखो, रवि बहुत प्रो हो चुका है। नाइस, इट वाज नाइस। चलो सिर्फ मैंने ऐसे वाले ग्लव्स पहने हैं, इस वजह से आपकी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। देख चलते हैं। ओके तो मैं ऊपर आ गई हूँ, अब मुझे वहाँ नीचे जाना है, ऊपर आके डर लग रही है, तो देख दो विश्मी लाख है ना। आई डिड इट योगेश, देखो मैं फाइनली दो पैरों पे योगेश के पास चल के आ गई। मेरी वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं था, बट यस आई डिड इट। ओ मजा आया, दोबारा जाऊँ? तुम बनाओगे वीडियो? दोबारा ट्राई करें, लेट्स गो।
ये कैसे उठाने है? अरे ये हम लॉक हो गए। अरे हो जाएगा, रुक जा। अरे नीचे जाओ। फाइनली रवि पूरे दिन नहीं गिरे लेकिन अभी उनको बैठना ही पड़ गया। अब उठने का बहुत ही अब उतारना पड़ेगा। रवि लंबे हो उठ जाएंगे। ये रवि, ओ माय गॉड यार, रवि सही में एक्सपर्ट हो गए। गुड। हम बिना जूता उतारे नहीं उतर पा रहे हैं। इधर को आना है। काफी ज्यादा स्नोफॉल भी बहुत तेज हो गया है। देखो योगी रवि, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गया है। और स्नो के अब जितने फ्रेश फ्रेश स्नो गए इसमें और ज्यादा स्लिपरी हो रहा है। और भी ज्यादा स्लिपरी हो रहा है। मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया ये, क्योंकि फ्रेश स्नो गिर गई है अब तो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया। तो उसमें ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है और नीचे और स्लिपरी। गो योगी। बहुत ये इजी लगता है देखने से लेकिन इतना इजी है नहीं। ये फाइनली योगी स्टेट। चलो चलो। और ये अब हम जा रहे हैं वापस। ये देखो जगदोजहद, ये शूज में चलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। सारा शाम तो हम लेके हम जा रहे हैं वापस। जो यहाँ से एंट्री होती है और ये यहाँ पे आइस कैफ़े है जहाँ से आप नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं। और ये है वो जगह जहाँ से हमें इक्विपमेंट मिलता है। आते आते बिलों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। तो ये हमें पड़ी है इसकी 69 यूरोस दो लोगों के लिए, यानी 35 यूरोस के अराउंड दो पर पर्सन। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी अलग चीज़ ये थी कि ये इस तरह का एक फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म में आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, जैसे स्कीज की बूट पोल्स हेलमेट गॉगल्स ये सारी चीज़ें, प्लस आपको कितनी देर के लिए चाहिए। हमने 3 आवर्स का लिया था। आपका वेट हाइट ये सब चीज़ों की डिटेल आपको देनी होती है और फिर उस हिसाब से ये आपको इक्विपमेंट देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमें 69 यूरो जो पड़ा है दो लोगों का वो चाइल्ड स्लोप है। तो अगर आप अडल्ट वाला लेते हैं वो बड़ा वाला जहाँ पे ऊपर हिल तक लेकर जाता है उसका थोड़ा और ज़्यादा पड़ेगा आपको। ये है वो जगह जहाँ पे हम स्कीइंग करने आए थे। सारी वीडियो ये उल्टी पुल्टी हो गई क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, बट ये वाला भी बहुत फन था तो इस वजह से मैंने इसका भी व्लॉग बना लिया। और अब हमारी बस आने वाली है तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग देख के मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।